मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिहार में 20 सीट पर हम लड़े, 5 पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी। अब बचे जो 15 सीट है, 9 सीट पर आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएलए बनके महागठबंधन बनाए। 9 पे वो जीत गया हमारे खिलाफ, 6 पे नीतीश कुमार और बीजेपी जीते। अच्छा, वो 9 वो जो जीते, जहां पर हमारे 9 कैंडिडेट थे उनकी मेजोरिटी हमारे को वोट मिले, उससे बढ़ के मिले। जो 6 एनडीए जीती, पानी पिला दे, उनकी हिम्मत तुम्हारी, हम सबको पानी पिला रहे हैं, हमारे को बॉटल दे रहे। 6 सीट पे एनडीए जीती, उनका जो टोटल वोट था वो मजलिस के उम्मीदवारों से बढ़ के था हर कैंडिडेट का। मगर उसके बाद शुरू हो गए, देखो उन्हों करे, देखो उन्हों करे। अरे प्यारे, 70 साल से कोई तुमके अरे सामने खड़ा नहीं हुआ था, अब खड़ा हुआ बोलने के लिए, हो मैं खड़ा हूं तुम्हारे को रहूंगा, क्या करते करो तुम, अब क्या किया तुमने बताओ। आज बिहार की सरजमीन पर, सीमांचल की सरजमीन पर, सीमांचल की जनता ने मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को कामयाब किया और वहां की खासतौर से खवातीन से जब जाकर मीडिया के लोग पूछते थे अब की बार किसको वोट देंगे, वो गोल्ड टोपी वाले को दे रहे। मेरे को जब मालूम हुआ, मिला गोल्ड टोपी तो सबकी गोल रहती, ये बोले नहीं वो गोल्ड टोपी वाला। तो मीडिया के लोगों ने पूछा क्यों देंगे, तो हमारी मां और बहन ने कहा कि उसको सत्ता से मोहब्बत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, हमको इख्तदार की कुर्सियों पर बैठना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यही है कि दलित मुसलमान से इंसाफ हो। मुझे कोई मिनिस्टर बन के अपनी गाड़ी पे लाल लाइट लगाए टाई टाई करके निकलना नहीं है। मेरा मकसद यह है कि अगर मेरा नुमाइंदा कामयाब होगा तो वो जब ऐवान असेंबली में जाएगा तो गरीबों की आवाज बनेगा, वो मजलूमों की आवाज बनेगा, वो हक के लिए लड़ेगा, ऐवान को हिला के रख देगा। हमको अब तक हम सिर्फ ओहदों के लिए कामयाब करती आए, अब हमको ओहदों की जरूरत नहीं है, मिनिस्टर की बनने की जरूरत नहीं है। हमको बेबाक नुमाइंदे चाहिए जो मुसलमानों के मसाइल को समझे, जो दलितों के इंसाफ के लिए लड़े। ये मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का पैगाम है।